Welcome all to AFA Solutions Online Laptop Chip Layer Training Institute. Muhammad Rafi here from AFA Solutions Bangalore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening aur advance mein good night sab ke liye. Jitne bhi bachche jude hain, Allah aap sab ko khair aur afiyat den de, rehmat den de, barkat den de, sukoon den de, kamyabi den de, tarakki den de, halal ki rizq den de. माँ बाप की दुआ कबूल हो, अल्लाह आप सबको खुश रखे। हलाल के रिज़क वो होता है जिससे इंसान की बरकत होती है। शुरुआत दो, हर बार मैं कुछ ना कुछ बोल के मैं शुरुआत करता हूँ, इंशाल्लाह आज भी इसी बात से मैं शुरुआत करूँगा। बात को मेरा ध्यान से सुनिए शुएब। हाँ सर, आपके हाथ में मैंने 1 लाख रुपया रखा, हाँ शर्त क्या है? कोई कंडीशन है ना? अभी आपको 1 लाख रुपया होना, हाँ मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, हाँ हाथ में 1 लाख रुपया आने के कभी भी कोई शर्त रहता है? बराबर शर्त क्या है? मेहनत है। ओ योगेश पवार, अभी कैमरा, माफी। हाँ गुड। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो है 1 लाख रुपया अगर आपके हाथ में रखा, इसकी शर्त है कि उसको हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है, जिसमें आपका जान माल वक्त लगेगा। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो 1 लाख रुपया आपके हाथ में आने का कोई शर्त वाजिब नहीं हुआ, वो कोई वैलिड नहीं रखता। बात समझे मेरे? हाँ सर, समझ रहा हूँ। मतलब अगर आपने डीवीडी लिया और आपको कामयाबी का एक सर्टिफिकेट चाहिए, इसका मतलब वो हाथ में जो सर्टिफिकेट है जिंदगी की कामयाबी का, तो इसका शर्त क्या है? मेहनत। माशाल्लाह, अभी आ गए पॉइंट पे। मेहनत शर्त है, बिना मेहनत के कोई चीज आपके हाथ में आने वाला नहीं है। हाँ सर, सही है ना? अभी समझिए, यस सर। अल्लाह ने क्या किया, हर मखलूक को रिज़क खाना दे दिया, जैसे कि आसमान के परिंदे के लिए खाना दे दिया, मैंने हाँ। उसका रिज़्क उसी दुनिया में रखा है, जैसे कि चील हो, कोई भी परिंदा हो, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी खा के वो जिलेगा। जानवर जैसे गाय हो, गाय के लिए क्या है, घास रख दिया, मैंने कहीं भी वो जा सकती है, घास खा सकती है। शेर के लिए क्या रखा है, जानवर रखा है, वो कहीं भी जाके शिकार करके खा सकता है। उस जानवर के लिए मेहनत कोई शर्त नहीं है, है क्या कोई शर्त जानवर के लिए? नहीं सर, उनके लिए खुद दिया है रिज्क, तुम कहीं भी जाके कुछ भी खा सकते हो। लेकिन इंसान के लिए क्या है, हर चीज हासिल करने के लिए मेहनत शर्त है नहीं है? हाँ सर, करेक्ट। अगर आपको, यहाँ जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए, एक कहानी याद आया मेरे को, कहानी बोलूं? हाँ प्लीज सर, बोलिए। सुनिए जनाब, सुनिए, शर्जिल की आवाज में सुनिए। एक धोबी था, वो धोबी अपने गधे को लेके घाट को जा रहा था कपड़े धोने के लिए। उसको क्या हुआ, धोते समय उसको कीचड़ के मट्टी में इसको एक हीरा मिला। वो गया अपना मेहनत के लिए और उसको मिला एक हीरा, लेकिन इसको कोई मालूम ही नहीं हो क्या है करके, उसको लगा एक पत्थर है, एक चमकीला पत्थर है जो शाइन कर रहा है। उसने क्या किया, उस हीरे को लेके एक लॉकेट बना के अपने गधे के गले में डाल दिया, क्योंकि उसको वो चीज का वैल्यू मालूम नहीं है। समझ रहे हैं शुएब? हाँ सर, समझ रहा हूँ।
थोड़े दिन में क्या हुआ, एक जोहरी ज्वेलर, ज्वेलर रहता है ना, जोहरी बोलते हैं उसको, जोहरी ने देखा, अरे रे रे, कोई पत्थर चमक रहा है ना गधे के गले में, क्या है? उसने झांका, गधे को माया किया, करते करते हल्लू पत्थर को देखा, अरे पहचान लिया, अरे ये तो हीरा है, ये धोबी को इस चीज की मालूम ही नहीं है, चलो एक काम करते हैं, धोबी को कुछ पैसा देके ले लेते हैं करके पहले उसने क्या किया, 5,000 रुपये उसको दिया। धोबी बोला, ये हाँ पत्थर के लिए 5,000 रहे, वैसा क्या है इसके अंदर रहे? धोबी बोला, माफी नहीं देता। जोहरी ने बोला, नहीं, तेरे को अभी 10,000 देता हूँ, मेरे को पत्थर दे दे, चमक रहा है, बहुत अच्छा है। धोबी बोला, ये पत्थर के लिए और ज्यादा रेट है, 10,000, क्या ऐसा चीज है? धोबी बोला, मैं नहीं देता, धोबी के लिए 10,000 भी बहुत ज्यादा पैसा है। फिर भी वो सोच रहा है उसके हाँ दिमाग सर, में, क्या ये चीज है जो मेरे को मालूम नहीं, करके उसी तरह 50,000 का ऑफर दिया, लेकिन उस धोबी ने माना नहीं, झोरी हार गया, बोला 1 लाख देता हूँ, फाइनल, फुल एंड फाइनल दे दे। धोबी बेहोश, 1 लाख सुन गई, क्या करूंगा इतना पैसा, रोज का 100-150 कमाता हूँ, 1 लाख आया तो क्या करना, कितने गधे के लेना मेरे को, कितने धोबीगढ़ को जाना करना, पूरा प्लानिंग किया उसने। बोला, चलो डन, अच्छा तेरे को 1 लाख रुपए में इसको दे दिया। धोबी गया, गधे के गले से निकाला लॉकेट को, जैसे ही निकाला वो नीचे गिरा, नीचे गिर के पत्थर, वो हीरा जो है टूट गया, पत्थर पे गिर के हाँ वो हीरा टूट गया, जैसे ही वो हीरा टूटा उसकी कोई कीमत नहीं लगी। अभी जोहरी बोला, अभी इसकी कोई कीमत नहीं है, बोला अभी इसको तुच्छ रख। हाँ भाइयों, आपके पास भी इसी तरह का एक हीरा है, जिसने भी डीवीडी लिया है, अगर आप उसको ध्यान से, इत्मीनान से थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, मैं भगवान खुदा अल्लाह नहीं हूँ कि किसी अस्तक किसी को मैं किस्मत बदल सकूँ, हाँ बेशक इंशाअल्लाह मैं आपका रहबर बन के आपके लिए रास्ता बना के दिखा सकता हूँ, मैंने दिखाया है, जो 10 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले नहीं था, आज जिस चीज़ को मैंने आसान करके आपको दिखा दिया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को आपके सामने रखा है मैंने, अगर उसको आपके सामने है तो इसकी कीमत आपको मालूम रहना चाहिए, अगर उसकी कीमत मालूम नहीं है, जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है उसको पहचान लेगा, जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है उसको पहचानेगा नहीं, कल के दिन ये बेजान चीज़ हो जाएगी, माने आपके सामने कामयाबी का रास्ता रहेगा लेकिन आप नहीं देख सकते, हाँ सर आंख रखे भी आप देख नहीं सकते, कान रखे भी सुन नहीं सकते, जबान रखे भी बोल नहीं सकते, दिमाग रखे भी सोच नहीं सकते, हाथ रखे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिल रखे भी आप महसूस नहीं कर सकते, वो हो जाएगी बेजान चीज। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने डीवीडी आज तक शायद उसका पन्ना खोला भी नहीं होगा, शुरू शुरू में गए होंगे, आखिरी में नहीं होंगे। इसी तरह हमारा एक बच्चा है, एकलव्य उसको बोलते हैं, जिसने उस्ताद को बिना मिले उस्ताद का हुनर को सीखा, वो है हमारा रियाजुद्दीन मलिक, मुंबई का। सिर्फ उसने मेरे को एक बार देखा, डीवीडी खरीदा, आज तक मेरे को मिला नहीं उसने, माने मैं खुद बॉम्बे में मिला था, उसके बाद आज तक वो मेरे पास आया नहीं, आज तक उसने मेरे को केस स्टडी का कोई हेल्प पूछा नहीं, उल्टा रोज मेरे को केस स्टडी डालता है, सेम मेरे स्टाइल में ही काम करता है। तो क्या हुआ, वो मैं जो रास्ता दिखाया उस रास्ते में जा रहा है, नहीं जा रहा है, चार है सर। तो ये कल अभी हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ सर। मैं उसका हाथ पकड़ा नहीं, उसके बाजू बैठा नहीं, ठीक है, उसके खांदे में मैंने शाबाशी थपका नहीं, उसको बोर्ड में कोई ड्राइंग सिखाया नहीं, फिर भी उसको मंजिल का रास्ता मिल गया, हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। तो आपके पास जो जिसने भी पैसा दिया है, सच बोलो, वो आपका मेहनत का पैसा है, नहीं है? हाँ सर, मेहनत का पैसा खून का नहीं, लेकिन पसीने का तो पैसा है, नहीं है? हो। हाँ सर, हलाल का पैसा है, नहीं है? यस सर, आपने कोई मकसद से मेरे को पैसा दिया है, नहीं दिया? मकसद से दिया है सर। अभी उसका शर्त क्या है? उस पैसे को वसूल करना, सीखना, मेहनत मेहनत करना। मेहनत शर्त है, माशाल्लाह आपके जबान में आ गया,
अभी चीज समझ में आ, हाँ मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं देगा। अल्लाह ने फैला दुनिया में जो कारोबार शुरू किया वो था खेती बाड़ी। माँ ने हर जानवर का रिजक दिया, लेकिन इंसान को बोला तू जाएगा, तू किसान का काम करेगा, खेती बाड़ी करेगा और कमाएगा। आज मेरे को सवेरे एक यूपी से, बिहार के बॉर्डर से एक फ़ोन आया, बोला सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी जान हाँ है, मेरा पैशन है, मेरा एज 37 है, मेरे को कोई मोहब्बत नहीं है ये डिजिटल दुनिया से, ना मैं व्हाट्सअप फेसबुक ये वो, मैं उसी का कोई जज्बा नहीं रखता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी जान है, मैं अकेला रहता हूँ, साइलेंट रहता हूँ, कम बात करता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स काम मेरे को पैशन है, साल भर खेती करता हूँ, 50,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन ये लैपटॉप रिपेयरिंग मेरा पैशन है, मैं टीवी रिपेयर करता हूँ, एसएमपीएस रिपेयर करता हूँ, मॉनिटर रिपेयर करता हूँ, दोस्त के दुकान पे, दोस्त बोला मेरे को सर जी मेरे को आप लैपटॉप सीख के आओ आपकी कामयाबी होगी, उसने मेरे को फ़ोन किया, अभी उसको मैं क्या जवाब दूँ, अम्मा मियाँ साल का 50,000 कमाओगे, मेरे को 25,000 देके क्या करोगे, 6 महीना भूखा रहोगे क्या, 6 साल की 6 महीने की कमाई चली जाएगी। मैं ऐसे ही सवाल किया उसको, वो बोला सर कुछ भी होने दो, रिश्तेदार से लेंगे, दोस्त से लेंगे, लेकिन वो बोला कि मैं ज़िंदगी में सीखा तो आपसे ही सीखूंगा। मेरे को आज भी इतने फ़ोन आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, लक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कुलू या अल्लाह, के बहुत से बच्चे बोलते हैं सर अगर मैं आज भी मेरी मजबूरी में हूँ लेकिन कभी भी सीखूंगा सीखूंगा तो इंशाल्लाह आपसे ही सीखूंगा करके बोलते हैं, माशाल्लाह पता नहीं क्यों करके, लेकिन वो जो वीडियो मैंने 2017 में बनाया आज भी वही है, शायद उसमें कोई बात का असर है जो चीज़ उनको समझ में आती है। खैर अल्लाह इसी तरह इज्जत देते रहे, हम सब के ऊपर खैर और बरकत देते रहे, हलाल की रिज़्ज़त देते रहे, आगे बढ़ने की तरक्की आमीन देते सर। रहे और दुश्मनों से हमारे नज़र बंद रखे। खैर अभी आते हैं कुछ, हम टेक्निकली जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप किया है मैंने 7th के लिए, मैं 7 तारीख जो आने वाला मंडे है मेरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, मैं हर बार बच्चों को बोला हूँ ब्रदर उस्ताद हर हुनर ऐसे ही नहीं देता, एक हुनर छुपा के रखे रहता है, ठीक है, तब तक वो हाँ बच्चे सर को पहचानता नहीं, वो हुनर उसके लिए बख्शीश है, वो हुनर उस बच्चे के लिए बख्शीश गिफ्ट होता है, उसको कोई खरीद नहीं हाँ सकता, आपने खरीदा होगा डीवीडी वो रास्ता, लेकिन कामयाबी का जो चाबी है मैंने बैंगलोर में रखा है मेरे प्रैक्टिकल वर्कशॉप में, यहाँ आएंगे इंशाल्लाह आपको हर प्रैक्टिकल वर्कशॉप में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ और नया सोच के मैं डेट को डिसाइड करता हूँ कि इस बार कुछ बच्चों को नया सिखाऊंगा करके। प्रैक्टिकल वर्कशॉप में क्या होता है, आपको पहला चीज़ गैजेट समझ में आता है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आपको इस बोर्ड की जो दो आपके सामने मारूंगा इसको और जोर से मारा और इसी बोर्ड को मैं डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, ये यकीन इंशाल्लाह आपके दिमाग में दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल हाँ सर वर्कशॉप में ये डर बाहर निकलेगा, प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आपको गैजेट्स को कैसे बात करते हैं, गैजेट्स को कैसा समझते हैं, गैजेट्स को कैसा दोस्ती करते हैं, ये चीज़ को सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल वर्कशॉप में अपने आप को कितना पेशेंस रखना चाहते हैं ये आप समझेंगे, प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आप सोचेंगे कि जैसे कि समझो आप खाना पकाते समय लेडीज़ क्या करते हैं, हर घर में लेडीज़ खाना पकाते हैं, ठीक है, जब वो खाना पकाते हैं वो हर मसाले को गिन चुन के वो खाने में डाल के या सालने में डाल के बनाते हैं ताकि टेस्ट सही आ जाए, लेकिन हर बार वो अलग अलग खाना पकाते हैं, एक ही टाइप का खाना नहीं पकाते, कोई वेज बनाते हैं, कोई रोटी बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, कोई बिरयानी बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, लेकिन वहाँ जो उनका जो डिस्प्ले में मसाला रहता है ना वो वही रहता है, करेक्ट, लेकिन उनको टैलेंट रहता है कि उस करेक्ट कब सर। कौन सा कितना मसाला डालना करके, इसी तरह हमारे भाई प्रैक्टिकल वर्कशॉप में हमारे को सब नॉलेज चाहिए, लेकिन इस बोर्ड को रिपेयर करते समय जो टैलेंट मेरे को चाहिए वही मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, समझ मेरा, ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप में सीखेंगे और यहाँ के हाँ बाद एक सर और लेवल अपग्रेड करूँगा, जब इस मेरे को समझ में आएगा आपका टैलेंट कितना स्पीड है, कहाँ आप अटके हुए हैं, क्या आपको सोचना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या पहचानना चाहिए, तब इंशाल्लाह मैं आपको
इंशाल्लाह मैं तब आपको अगला लेवल, ठीक है, माने आपको गैजेट्स, एडवांस गैजेट्स कैसा करना करके। बच्चे को कभी भी आप टू व्हीलर देके नहीं सिखाते, बच्चे को आप कोई भी दुनिया का बच्चा हो पहले साइकिल से ही सिखाते हैं। साइकिल सीखने के बाद वो टू व्हीलर ही सीखता है, टू व्हीलर के बाद वो फोर व्हीलर ही सीखता है, करेक्ट। कोई भी बच्चा पहला दिन करेक्ट जाके कार का ड्राइविंग नहीं सीखता। ये अगर प्रैक्टिकल में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको इसी मुताबिक इसी रास्ते में जाना पड़ेगा। एक एक गैजेट से आपको एक्सपर्ट बनेगा। मेरे पास ये मल्टीमीटर है तो मेरे को इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मेरे पास ये बायस प्रोग्रामर है, इससे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मेरे पास सॉल्डर गन है, उसे एक्सपर्ट करना पड़ेगा। मेरे पास डीसी है, उसे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मेरे पास अलग अलग प्रोग्राम है, मेरे पास डीएसओ है। हर चीज से एक अलग अलग लेवल में आपको एक्सपर्ट बनने से तब आपका समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी दुनिया में है, कौन से लेवल में है, आपका प्रैक्टिकल वर्कशॉप कहाँ आपको काम देगा और आपको इम्प्रूवमेंट करने में क्या हेल्प कर सकता है करके समझ में आएगा। ठीक है, हर चीज सीख लिया, भूल रहा है इंसान के अल्लाह ने आपको एक और नेमत दिया है, मतलब एक गिफ्ट है। क्या? भूलने का। अगर इंसान नहीं भूलेगा तो पागल हो जाएगा। ठीक है, भूलने का गिफ्ट है और यही इंसान के लिए ड्रॉबैक भी है। सब कुछ सीख लिया तो डेफिनेटली आप भूलेगा, करेक्ट। भूलेगा नहीं भूलेगा, करेक्ट बोलेगा सर। एक एक सीखेगा तो भूलना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि शुएब को ABCD आता है आपको, हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह आता है। ए टू जेड आता है आपको, हाँ आता है सर। कब सीखा था? ये जूनियर जूनियर केजी में किंडरगार्डन। चलो किंडरगार्टन पकड़ते हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, ठीक है। हाँ सर। क्या आज आप कॉलेज जाने के बाद आज ABCD सिखाएंगे आपको कि कोई है? नहीं सर, नहीं सिखाएंगे ना, क्योंकि आपको नहीं नहीं उस एज में आपको जो सिखाना था वो सिखा के उस चीज में आपको ऐसा मास्टरी कर दिया कि आज आपकी उम्र की 25 साल भी हो गया, 50 साल भी हो गया, आपके दिमाग में वो A to Z ABCD आपके दिमाग में रहता है, करेक्ट सर। करेक्ट ना। ये लैपटॉप का रिपेयरिंग का प्रोफेशन भी उसी तरह है। आप एक एक लेवल से, एक एक गैजेट से, एक एक सेक्शन, एक एक सब्जेक्ट से आपको उसको पास करना पड़ेगा। तब जब आप ग्रेजुएशन लेवल में आएंगे, जब एडवांस लेवल के एडवांस गैजेट्स के साथ आप खेलेंगे। बात समझ में आया? हाँ सर, आ रही समझ में। आज फ्रेशर बच्चा एडवांस गैजेट पुटेगा ये तो पतंजलि है। एनीवे, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल का सेमिनार बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह मेरे को सेहत पहला अच्छा दिया, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, और हमारे जो खिदमत हुआ था वो भी बहुत अच्छा हुआ। मैं कौशल करने को मिलने का अल्लाह ने मौका दिया, ये भी मेरे को अच्छा लगा। वहाँ के जो मिलापन था, मिलापन जो मिलने का वो भी अच्छा था, दोस्ती प्यार वो भी हमदर्दी अच्छी थी, और सेमिनार अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लाइक टू से के शायद मैं बहुत खुशी से कभी सेमिनार किया है तो वो नेपाल का सेमिनार किया है। दिल खोल के सेमिनार किया, बहुत खुशी से किया, और 3 दिन खड़ा होकर अगर मैं सेमिनार किया है तो वो नेपाल का सेमिनार ही है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, और जितने भी बच्चे आए थे एक्सपेक्ट करता हूँ उनको भी अच्छा लगा करके, और इसी तरह अल्लाह और हमारे को रास्ता खोलते रहे कि मैं सिखाने की कोशिश करूँ और बच्चों को सीखने का जज्बा रहे। चलो प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आता है, ठीक है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, और आगे बढ़ना। चलो मैं अभी कैमरा को शिफ्ट करता हूँ। ये मेरा फेवरेट बोर्ड है, LA9104P। शायद आप सबको दिखा होगा, शुएब या कोई भी मेरे को इधर सामने आके सिर्फ और सिर्फ AFS के बच्चे ही जवाब देंगे। शुएब ध्यान से देखना, मैं यहाँ DC जैक लगा रहा हूँ, ये रैम नहीं चाहिए अभी, माफ़ी, ठीक है। और अगर CMOS लगा है तो CMOS को भी निकाल देंगे, इधर CMOS लगा है, CMOS को भी हलाल करेंगे। और DC को यहाँ मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, बस ऑफ किया। शोएब, मैंने सिर्फ 30 मिलीसेकंड में इस बोर्ड को पकड़ लिया, क्या क्या हो सकता है, ये रिपेयर होगा या नहीं होगा?
सर इसका वो रीडिंग से तो मुझे लग रहा है कि उसका स्टैंडर्ड बन रहा है। आवाज थोड़ा जोर से है। फिर आपके सामने मैं ऑन कर रहा हूँ, फिर आपके सामने ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, हाफ कर दिया, एक तीन तीन ट्रिगर आता है, 30 मिली सेकेंड का तीन ट्रिगर आता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रिगर आपको दिखाया एक और हाफ, दूसरा ऑफ, क्लू दे दिया उसने, तीसरा, ठीक है। अभी बोलो ये बोर्ड रेडी होगा या नहीं होगा। हाँ सर रेडी होगा, ये अभी स्टैंडर्ड मोड पे है, तीन और पांच होल्ड बन रहा है इसके बाद। वेरी गुड। आप आवाज मेरा कम आ रहा है आपको, आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बात कीजिए, ठीक है। हाँ सर शुएब मेरे को थोड़ा जोर से बात करना, आप आवाज कम आ रहा है, अभी आ रहा सर, बराबर। माफी कम आ रहा है। अभी मैं इस लैपटॉप को पावर बटन दबाऊंगा, ठीक है। ये मेरा पावर बटन दबाऊंगा, मेरा डीसी रीडिंग 800, 200, 800 रीडिंग आया विदाउट रैम, क्या कंडीशन है? ऑन कंडीशन है सर, ये क्या कंडीशन है? ऑलमोस्ट सभी वोल्टेजेस बन रहे हैं, कुछ एक आधा मिसिंग रहेगा। चलो रैम लगाया मैं, शायद ये बोर्ड ऑटोमेटिक टेबल पे आके रेडी हो गया दिखता है। पावर बटन दबाया, 7 मेरा रीडिंग है, थर्ड जनरेशन विथ पीसीएच, माय रीडिंग क्यूजेई डीसी पावर सप्लाई। शायद मेरे को उतना समझ में आता नहीं, लेकिन मैं जो हॉकी यूज़ करता हूँ मेरे लिए माशाल्लाह अच्छा है, दूसरों का पता नहीं। ये तो डिस्प्ले दे दिया, ये तो ऑन हो गया सर। डिस्प्ले दे दिया। चलो एक और बात चेक करते हैं, ये दबाया पावर बटन, ग्यारह पे रुका, इसका मतलब ऑटो स्टार्ट होगा। ये 800, 900, शुएब ये बोलो मेरे को पेन ड्राइव में डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पेन ड्राइव पे मेरे को डिस्प्ले नहीं आ रहा है, एम आई राइट? शुएब हाँ सर डिस्प्ले नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? कोर टू वोल्टेज शायद नहीं बन रहा होगा। ऑन बोर्ड सीपीयू विथ पीसीएच, मतलब दिस वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी। अगर जीएफएक्स कोर बनना है तो आपको स्क्रीन कनेक्ट करना है, अगर आप स्क्रीन कनेक्ट करेंगे तभी आपका ये जीएफएक्स कोर बनेगा। और मेरे भाइयों आपके सामने इस बोर्ड को मैंने मारा था मारने से पहले ऑन नहीं हो रहा था, अभी मारा तो रेडी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी बात में सच डाला नहीं डाला, जो झूठ नहीं बोलता उसकी बात को बाई डिफॉल्ट अल्लाह सच कर देता है, ये आपके सामने जिंदा सबूत हुआ। ये थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले ये मेरे सामने डेड था, ये लैपटॉप मैं क्या करूं, डिस्प्ले आ गया तो। चलो आपके लिए कंफर्म कराता हूँ, ये मेरा स्क्रीन और मैं लगा इधर डिस्प्ले। ये कभी भी शर्जील क्लास में आता है ना, ये बोर्ड सही से ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। ये लगाया मैं स्क्रीन, ठीक है, बोर्ड भी इधर ही रखा हूँ, डिस्प्ले आपको इधर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। डीसी रीडिंग को ध्यान से देखना, जिंदगी में डरा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये लगाया साथ, माने मेरे लिए वेट कर रहा है, ये मारा उसको सलाम मैंने, ये 800। अगर ये शट डाउन हुआ दिया डिस्प्ले, देखा पेन
पेन ड्राइव में डिस्प्ले आया। तो ये था पहला सबक। जो भी बोर्ड है जिसके अंदर एसओसी और सीपीयू लगा है या कुछ ईडीपी डिस्प्लेस है, कंपलसरी आपको डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। एनीवे, क्लास के एंड में इसके बारे में सोचेंगे। और इस बार का सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हम जैसे कि हर साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेलेक्ट करते हैं, तो इस बार भी मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है। स्टूडेंट ऑफ ईयर कौन होता है? जिसके पास सब खासियत होती है वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है। जिसको मंजिल और मकसद रहता है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है। जो EFS DVD देख के अपनी मंजिल को पकड़ता है और लाइफ में एक उस्ताद और एक मकसद को लेता है और वो कामयाबी होता है। तो इसी तरह का एक बच्चा है, रियाजुद्दीन मलिक फ्रॉम मुंबई। तो ये बच्चे की खासियत है कि इसने मेरे पूरे 4 DVD को देखा है। और इसको मैं एकलव्य बोलना चाहूँगा, क्योंकि एकलव्य की खासियत थी कि दूर से बैठ के वो द्रोणाचार्य को देखता था। और जैसे जैसे वो द्रोणाचार्य जी अर्जुन को या उनको पांडव को जो ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी तरह ये भी अपना होमवर्क करता था। तो उसी तरह के हमारा रियाजुद्दीन मलिक भी, मैं जैसा सोचता था कि बच्चों को किस तरह से सीखना है मैं जैसा सिखाना चाहता हूँ, रियाज ने मेरा हर DVD को देखा, हर DVD के वीडियो को इसने होमवर्क किया, स्कीमेटिक को प्रिंट आउट लिया और स्कीमेटिक को जो प्रिंट आउट लिया उसको ट्रेसिंग भी किया, उसने बोर्ड पे ट्रेसिंग किया। और मैं जैसा काम करता हूँ प्रैक्टिकल वर्कशॉप, आज तक रियाजुल मलिक प्रैक्टिकल वर्कशॉप पे नहीं है, वो प्रैक्टिकल में भी आया और बिना आए प्रैक्टिकल वो करता है। और वो मेरे को, मैं जो स्पीड चाहता हूँ वो स्पीड करता है। आज उसका स्पीड मेरे को मैचेस से डालता है, सर मैंने 15 मिनट में किया, सर मैंने 10 मिनट में किया, 7 मिनट में किया, सर आधे घंटे में किया, सर कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने 1 घंटे में सॉल्व किया, और हर रोज केस करता है। और इसी हुनर के तरक्की से उसने मुंबई में भी फ्लैट खरीदा और उसका EMI पे करता है। आज एक 18,000-20,000 का सैलरी का बंदा एक मुंबई में फ्लैट खरीदना और उसका EMI को पे करना और कामयाब होना, और वो उसका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज होना, रात को भी काम करना, दिन में भी करना। वो बोलता है, सर जब तक आपका वीडियो देखता नहीं मेरे को नींद नहीं आता। और उसका केस स्टडी में आज तक मेरे को फ़ोन करके कभी हेल्प नहीं पूछा है, और वो कभी भी पूछा तो एक ही पूछता है, सर मेरे को क्लू दे दो, मैं खुद अपना मंजिल ढूंढ लूँगा। और आजकल तो वो क्लू भी नहीं पूछता, खाली मेरे को केस स्टडीज डालता है। इसीलिए मैं उसी का केस स्टडीज से ज़्यादा लोगों को पोस्ट करता हूँ। सो रियाजुद्दीन मलिक, आप मुबारक हो, आप EFS सॉल्यूशन के 2018-19 के ये स्कॉलरशिप नहीं, आप ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए चुने गए हो। मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिजक दे। इसी तरह आप बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुद का नाम रोशन करता हो। EFS का नाम ऑलरेडी आपने रोशन कर दिया है, हम उसके एहसान है, आगे बढ़ते रहो। और आपको भी देखे बहुत से बच्चे भी सीखें कि अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना करके। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ये पहला अभी लकी ड्रॉ निकल रहा है, ये हमारे इब्राहिम मस्जिद से निकल रहा है और यहाँ इस डब्बे में से हाफिज साहब एक पर्ची उठाएंगे। चेहरा नहीं दिखा था आपका, ठीक है? ठीक है ना, आपका चेहरा नहीं दिखाना ना, नहीं दिखाता, खाली वोटर आईडी आधार कार्ड में दिखाता। एक 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 पर्ची उठाओ, नाम पढ़ो हाफिज साहब, और कैमरा में दिखाओ मेरे को नाम। ले माँ, रसूल रसूल हक, रसूल हक दिखाओ, पलटा के दिखाओ मेरे को। आसाम, रसूल हक आसाम। माशाल्लाह, रसूल हक मुबारक हो, आपका नाम आया है लकी ड्रॉ में। अस्सलाम वालेकुम। मैं आया हूँ एक दुकान पे, ये मस्जिद के बाजू ही है, ठीक है? और हमारे हाजी साहब को ये डब्बा दे रहा हूँ। एक सर एक चीटी उठाइए आप, इधर से ऐसा ऐसा एक चीटी उठाओ, एक हाँ खोल को दिखाओ उसे। नाम अहमद रजा राजस्थान, मुबारक हो, पकड़ो माँ। और ये आपका
1000 रुपये लकीड़ा था, लकीड़ा हमें सबका उठा रही है ऐसा, जिस जिसका नाम आ रहा है उसके वास्ते आप रख सकते हैं। हमारे बच्चों को फ्री सिखाती हैं हमें, और जिसका नाम आता है लकीड़ा में उनको हमें फ्री सिखाती है, ठीक है। ये आपका हदिया हमें बच्चों को फ्री सिखाती है, एजुकेशन रिपेयरिंग गर्ल। हम इस मामू के पास जा रहे हैं, ठीक है। देखो 65 साल हो गया है मामू, तुम्हारा कितना उम्र है? 60 है, नहीं ज्यादा होगा है, 50 रहना, 60 साल का दीजिए मामू को। मामू इसमें से एक चीटी उठाओ, खोलो उसे, नाम दिखाओ मुझे। नाम आकाश सुभाषी भाई अगले गुजरात, मुबारक हो, मामू ने आपका नाम उठाया है। और ये पकड़ो, ये 1000 रुपया जाएगा मामू को, ये तुम्हारे, ऐश करो, ठीक है। जज़ाकअल्लाह खैर। सलाम सलाम, अभी भी दबा जाओ, इसमें एक नाम निकालो, टीटी नहीं का, मजे आता नहीं। खाली ऐसा उठाओ, एक चीटी उठाओ, उठा दो, खोलो, हाँ डालो, एक चीटी काटो, वैसा नहीं बोलते हमें, एक चीटी काटो, खाली ऐसा उठा कर दियो, बस से जो खोलो उसे। ये मिलिट्री मिलिट्री दादी जी है, बहुत स्ट्रिक्ट है। नाम दिखाओ, मंजे दिखाओ, हेरो अम्मा मिया नाम ही नहीं दे रही है, दिखाओ नाम दिखाओ, बस से याद रखो, देखो ऐसा 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 दिखाना, दिखाओ ऐसा नाम में। तुम्हारा? अमर ज्योति बोरागान असम, असम क्या हल्ली क्या लियो? बोले 1000 रुपये तुमने मतलब बरकातु। अस्सलाम वालेकुम, इना हमारे हाफिज साहब, ठीक है, देंगे ये अभी एक इस हमारे इस बॉक्स से निकल रहे हैं लकी ड्रॉ। आमिर साहब एक नंबर नाम उठा, पर्ची उठाओ, एक पर्ची उठाओ, ये पर एक पर्ची उठाओ ऐसा, ठीक है, एक पर्ची उठाओ, खोलो आप ही खोलो, नाम पढ़ो, कहाँ से गिनेश का गिर रही? अरविंद शर्मा, घुमाइए, हाँ दिखाओ मंजे, दिखाओ मंजे दिखाओ, मुबारक हो अरविंद उत्तर प्रदेश, मुबारक हो, आपका नाम आया है और आपका जो है स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गया, थैंक यू। लो ये वीडियो ले, बेरी वन चीटी है बेकार, बेरी नहीं ला, वन चीटी है तोरसी, साथ तोरसी ओपन मार, तोरसी तोरसी नंगे। फहीम मलिक उत्तरांचल, मुबारक हो, ये निमेश्रो सत्यपा ने आपका नाम उठाया है, ठीक है, निम गता लकीड्रा ये ऐन सिक्त गला 1000 रुपये सिक्त इम लकीड्रा लकीड्रा इतना इतना वाले खर्च मे कुदू खर्च निम् व्यापार हाकि सरना खुशिया बोले। इसमें खाली आपको एक चीटी उठा को देना, गरीब बच्चा को उठा के देती है, एक उठा को दो उसमें, खोलो खोलो तुम्हें, दिखाओ नाम दिखाओ, मंदर मुनानकर गोवा जो शुक्रन, देखो ना खाना खाए, अल्हम्दुलिल्लाह सब तो भी एक तो बार खाना वाला हम तो बिरयानी बिरयानी इनका काम है, ये जाम बेचने का, शुभ हो रहा है,
ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿ. ಏನ್ ಹೆಸರಿದೆ? ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿ, ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿ. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಈಗ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತೋಳಿ. ನಿಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕಾಸು ಇದು ಬೇರೆ ದೇವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಎಂಜಾಯ್ ಶುಕ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿ ಕಾಸು. ನಿಮ್ ಕೈಯಾಕ ಒಂದ್ ಎತ್ತಿ. ಇಂಕೋ ಆಂಕ್ ನೈ ದಿಕ್ತಾ, ಇಂಕೋ ಆಂಕ್ ನೈ ದಿಕ್ತಾ. ಈ ಚೀಟಿ ಊಟ ಯಾವ್ದನ ಒಂದ್ ಎತ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಟಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಇಂಥ ಚೀಟಿ ದಿಕ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈಗ ಯು ಆರ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಔರ್ ಆಪ್ಕಾ ಜೊ ಹಜಾರ್ ರುಪಾಯಿ ಹೈ ಇನ್ಕೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಹಮಾರೇ ಯಶೋದಮ್ಮ ಹೇ ಠೀಕ ಯಾ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ ಕಾಮ ಕರ್ತೇ. ಒಂದ್ ಎತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಸರು ತೋರಿಸಿ. ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಶಾಲ. ಸುನೀಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಶುಕ್ರಾನ್ ಕೊಡಿ. ಸುನೀಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಗರೀಬ್ ಆಗ ಇದರ ಆ ರೇ ತೋ ಇನ್ಸೆ ಹಮ್ ಎಕ್ ಎಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಉಠಾಯಂಗೆ ಅವ್ರ ಪೈಸಾ ಹಮ್ ಇನ್ಕೋ ದೇಂಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೇ ಶುಕ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಎತ್ತು, ಒಂದು ಚೀಟಿ ಎತ್ತು. ಹೆಸರು ತೋರಿಸಿ. ಸೈಯದ್ ಇಫ್ರಾಜ್ ಶಕೀಲ್ ಕಾನ್ ಸೆ ಹೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೆ ಹೇ ಠೀಕ ಹೈ. ಸೈಯದ್ ಇಫ್ರಾಜ್ ಶಕೀಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಔರ್ ಯೇ ಹಮಾರೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಹೇ ಔರ್ ಆಪ್ಕಾ ಜೊ ಹದಿಯಾ ಹೈ ಮೈ ಮೇಡಮ್ ಕೋ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಹೂಂ. ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಇತ್ತಿದಕ್ಕೆ ನೀವು 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಏಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅವರ ಅಮ್ಮಿ ಸೆ ಉಠಾ ರಹೇ ಹೇ. ಏಕ್ ಚೀಟಿ ಉಠಾಕೋ ನಾಮ್ ದಿಖಾ ಮೇ ಖಾಲಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಾನ್ ಸೆ ದಿಖಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಉಂಗ ಪೇರ್ ಹೆಂಗ ಮದರ್ ಎಡ್ತಿರ್ಕಾಂಗೋ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಉಂಟಾವ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾವ್ ಶಾಹಿದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಶಾಹಿದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ. ಯಹಿ ಲೈವ್ ಶೂಟ್ ಮೇ ಮೈ ಉಠಾತಾ ಹೂ ಪಕಡೋ. ಲೈವ್ ಶೂಟ್ ಮೇ ಮೈ ಉಠಾತಾ ಹೂ ಠೀಕ ಹೈ. ಜಿಸ್ಕಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಉಸ್ಕಿ ಬರ್ಕತ್. ನಾಮ ದೇಖತೆ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಆಯಾ ಕರ್ಕೆ. ಫಹೀಮುದ್ದೀನ್ ಸಲೀಮುದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ. ಇಸೆ ಬೋಲ್ತೆ ಜಿಸ್ಕಿ ನಿಯತ್ ಉಸ್ಕಿ ಬರ್ಕತ್. ಮೇರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ನೆ ದವಾಯಿ ಭೇಜಾ ಔರ್ ಅಲ್ಲಾ ಮೇರೆ ತರಫ್ ಸೆ ಹಿ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೇ ಆಯಾ. ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ ನಾಗ್ಪುರ್ ಖಾಜಿ ಖಾಜಾ ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ. ಅಭಿ ಯಹಿ ಇಸಿ ಕೋ ಹಮ್ ಶೂಟ್ ಕರೆಂಗೆ. ಏಕ್ ಔರ್ ಜೋ ಹಮಾರಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ಇದರ್ ಜುಬೇರ್ ಯೆ ಭಿ ಹಮಾರಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ. ಜುಬೇರ್ ಕೆ ಸೆ ಹಮ್ ಉಠಾಯೆಂಗೆ ಏಕ್ ಉಠಾಮಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಷಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಿ ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ ಕಿ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ ಇಸ್ಮೇ ಆಯಾ. ಔರ್ ರಹಾ
मेरा पैसा मैं मस्जिद को दे दूंगा, जो 1000 रुपया है मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन जो अम्मी का पैसा है ये भी देते हैं, क्योंकि ये भी बच्चों का खिदमत करते हैं। पकड़ो माँ, तुम्हारे दो जने के 1000 1000, ये भी खाना जो नाम उठाती है उनको 1000।